हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, लूसेंट का लगातार साइंस का क्वेश्चन कराया जा रहा है। इससे पहले फिजिक्स का 300 क्वेश्चन कराया जा चुका है। अभी कंप्यूटर साइंस का चल रहा है। कंप्यूटर साइंस का इससे पहले 60 क्वेश्चन कराया जा चुका है। आज जो है 61 से स्टार्ट करेंगे और लूसेंट में लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कृषि विज्ञान को मिलाकर लगभग 2500 से अधिक क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। इसी दौरान आपको अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है और बाद में कॉमेंट बॉक्स में करना है कि आपको 30 में से कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? रिसेंट एंड एनिशियंट मेमोरी से, रैंडम एक्सेस मेमोरी से, रीड ओनली मेमोरी से, रिकॉल ऑल मेमोरी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी से। रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का विस्तृत रूप बताना है। सीपीयू का आपको फुल फॉर्म बताना है, सेंट्रल प्लेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोविंस यूनिट, केंद्रीय पुलिस यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीएडी का फुल फॉर्म बताना है आपको, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईबीएम का पूर्ण रूप बताना है आपको, आईबीएम का फुल फॉर्म बताना है, इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन, इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। BIOS का आपको फुल फॉर्म बताना है, BIOS का फुल फॉर्म बताना है, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटेनियम ब्रांड से के नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। तो पेंटेनियम ब्रांड के नाम से जो बेचा जाता है वो माइक्रो प्रोसेसर को बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन थे ये आपको बताना है, बिल गेट्स, ली एन फियोंग, एन रेसेल या टिम्स बर्नर्स ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली, जो है WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। याहू, गूगल एवं MSN जो है ये किससे संबंधित है? इंटरनेट साइट, कंप्यूटर ब्रांड, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां, शनि ग्रह के छल्ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट साइट या इंटरनेट ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में शब्दकोश में सीडी अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। सीडी का अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डेटा, कंप्रेस्ड डेटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्रेस डिस्क के नाम से जो है सीडी अक्षर का फुल फॉर्म होता है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। 69 का ए नंबर हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क जो है सीडी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर का भाषा नहीं है यह आपको बताना है, बेसिक, सी, फोर्ट्रॉन, फास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फास्ट। फास्ट जो है कंप्यूटर का भाषा नहीं होता है, जबकि बेसिक, बेसिक लैंग्वेज, सी लैंग्वेज और फोर्ट्रॉन लैंग्वेज ये सारा कंप्यूटर का भाषा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्द वाली नहीं है यह आपको बताना है, कौन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से शब्द जो है संबंधित नहीं रखता है, साइबर स्पेस, अपलोड,
प्रकाश भंडारण मोडम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश भंडारण जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं शब्द है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर जो है ये आपको बताना है। T3A, NH3, PRM 10000, J8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा T3A। और ये सबसे विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर है और ये चाइना द्वारा बनाया गया है। चाइना का एक कंपनी है NUDT, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट टूरिज्म, जो है इसका फुल फॉर्म होता है, सॉरी फ्रेंड, NUDT का फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, नेशनल यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अनुपम क्या है यह आपको बताना है। एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, एक नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपम जो होता है ये एक प्रकार का जो है सुपर कंप्यूटर है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। आपको बताना है भारत में जो विकसित परम सुपर कंप्यूटर है इसका विकास किस संस्था द्वारा किया गया। CDAC, IIT कानपुर, BARC बार्क मुंबई, IIT दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CDAC, CDAC पुणे के द्वारा जो है सुपर कंप्यूटर, परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई बताना है। बाइट, बिट, रिकॉर्ड, फाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिट। बिट जो है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है और 8 बिट मिलकर जो है 1 बाइट बनता है और 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है और 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनता है। इस प्रकार जो है सीरीज चलते रहता है। अगला क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो वायरस है आपको बताना है। माइकल एंजेलो जो वायरस है ये किससे संबंधित है। कैंसर उत्तरदायी वायरस, कैंसर के बचाव करने वाला वायरस, चूहों में फैलने वाला वायरस, एक कंप्यूटर वायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक कंप्यूटर वायरस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा। मशीनी भाषा जो है सारे कंप्यूटर में लागू होती है और कंप्यूटर मशीनी भाषा में ही समझता है और वो बाइनरी भाषा होता है, 0 और 1 के कोड के रूप में समझता है। अगला क्वेश्चन है, एप्पल जो है क्या है ये आपको बताना है। एक फल है, चौथी पीढ़ी की एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर भाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर, टेलीफोन की लाइन पर जो है ट्रांसफ़र करती है, तो वो क्या है। चुंबकीय डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर, CD-ROM, मॉडम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करता है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर ट्रांसफ़र करती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, PRM 1-10000, IBM चिप्स। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क का कार्यप्रणाली का नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर जो होगा क्वांटम कंप्यूटर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। PRM-PDM, फ्लो सॉल्वर, चिप्स, अनुपम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपम। अनुपम जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला आपको बताना है। एर्नाकुलम, विल्लुपुरम, थिरुवल्लूर या मलापुरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलापुरम। मलापुरम जो है ये केरल में है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंप्यूटर क्या है आपको बताना है। आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों का विश्लेषण करने वाला एक सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है।
तो ये आपको बताना है, एक और दो दोनों, एक दो और तीन, एक दो और चार, सभी चारों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। जो है कंप्यूटर जो है ये सारे करने में, सारे काम करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट जो बना होता है 8 द्विधारी अंकों का 2 द्विधारी अंकों का 8 दशमलव अंकों का 2 दशमलव अंकों का। तो इसका सही आंसर होगा 8 द्विधारी अंकों का। 8 जो है बिट 01 01 01 करके 8 बिट जो है, 8 बिट मिलके जो है एक बाइट बनता है। ये आपको पता होना चाहिए, 01 01 करके जो है, 01 01 करके 8 बिट मिलके एक बाइट बनता है। और जो है एक बाइट जो है 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट जो बना होता है वो 8 बाइनरी अंक से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, असेंबलर का कार्य बताना है आपको। असेंबलर क्या करता है? बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर का काम होता है असेंबलर भाषा को जो है मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? फफूंद होता है, बैक्टीरिया होता है, IC 7344 होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है एक प्रकार का प्रोग्राम होता है और ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन के आविष्कारक का नाम बताना है आपको। जॉन शेफर्ड बर्नेस, चार्ल्स बैबेज, JS किल्बी, टीम बर्नर्स ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन शेफर्ड बर्नोस। ATM का जो आविष्कारक है जॉन शेफर्ड बर्नोस, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से जो संबंध दिया हुआ है इनका और इनके बीच, तो कौन सा संबंध गलत है। एक मेगाबाइट 1024 × 1024 बाइट के बराबर होता है। एक कंपाइलर एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। लाइवेयर सिस्टम पर काम करने वाला प्रयोगता है। प्लॉटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को संचार चैनल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों में और विलोमित परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ये जो है, एक मेगाबाइट जो है ये 1024 KB, और 1024 KB जो है, KB को 1 KB, यहाँ पे 1 KB को हम 1024 बाइट लिख सकते हैं। तो 1024 × 1024 बाइट ये एकदम सही है। कंपाइलर का काम होता है एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करना, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि एक उच्च स्तरीय भाषा को जो है मशीनी लैंग्वेज में कंपाइलर बदलता है, तो ये भी सही है। लाइवेयर का काम क्या होता है? सिस्टम पर काम करने वाले प्रयोक्ता जो होता है उसको लाइवेयर बोलते हैं, जो सिस्टम पर काम करता है उसे लाइवेयर बोलते हैं। और प्लॉटर का काम क्या होता है? प्लॉटर जो है, याद रखिएगा, प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर होता है, अर्थात ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, एक ग्राफ और डिज़ाइन को छापने में मदद करता है। प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो ग्राफ और डिज़ाइन को छापने में मदद करता है, जो वेक्टर ग्राफिक्स को भी छापने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर जो है ये ग्राफ और डिज़ाइन को छापने में मदद करता है और ये आउटपुट डिवाइस है, और जैसा कि एक प्रकार का ये प्रिंटर है। ब्लूटूथ जो है प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से किसकी अनुमति देती है? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है किसकी अनुमति देती है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार की, केवल मोबाइल फ़ोनों पर सिग्नल प्रसारण की, लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन संचार की, सेटेलाइट टेलीविज़न संचार की। इसका सही आंसर होगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचार की। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में किसमें मापा जाता है? BPS, MIPS, बॉड, हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MIPS। MIPS से जो है कंप्यूटर का प्रोसेसर का गति को मापते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट्स होते हैं, तो बताना सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और क्या होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, आउटपुट रोम या इनपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है, कंट्रोल सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये तीनों होते हैं, चारों होते हैं। अगला क्वेश्चन है com.com जो है क्या निरूपित करता है, वाणिज्य क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, संचार क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संचार क्षेत्र को जो है निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है लाइफाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। यह उच्च गति डाटा संचरण के लिए प्रकाश के माध्यम से रूप में प्रयुक्त होता है, एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है, केवल वन, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो वन ना ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन और दो, वन और टू, दोनों। क्योंकि जो है लाईफाई जो है उच्च गति डेटा संचरण के प्रकाश के माध्यम से जो रूप में प्रयुक्त होता है, और ये बेतार प्रणाली है और ये वाईफाई से कई गुना बेहतर काम करता है। अगला क्वेश्चन है गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया, ये आपको बताना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल ने जो वेब ब्राउज़र लॉन्च किया था, विकसित किया था, वो क्रोम था। अगला क्वेश्चन की ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1024 KB बराबर होता है, तो जैसे कि अभी बताया 1024 जो है 1 MB के बराबर होता है। यह हम लिख देते हैं 8 बिट मिलकर बनता है 1 बाइट, 1 बाइट बनता है, BYT, 1 बाइट बनता है, और 1024 बाइट मिलकर जो बनता है, 1024 बाइट मिलकर बनता है 1 KB, और फिर 1 KB मिल 1024 KB जो मिलकर बनता है वो 1 MB, और 1024 MB जो मिलकर बनता है वो 1 GB होता है, 1 GB, और फिर 1024 GB जो मिलकर बनता है, 1024 GB मिलकर जो बनता है वो 1 TB बनता है, 1 TB। तो ये सब जो है आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, तो 1024 KB जो होगा ये 1 MB मेगाबाइट के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम आपको बताना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है 1 बाइट किसके बराबर है, ये आपको बताना है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। तो जैसा कि अभी बताया 1 बाइट जो है 8 बिट मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा है। तो जैसा कि हम पहला वीडियो में बताया था जब कर रहे थे कि पीयूष, पुष्कर और प्रशांत प्रत्यूष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यूष। प्रत्यूष जो है भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है, और अगर भारत का सुपर कंप्यूटर पूछेगा तो परम हो जाएगा, और प्रथम कंप्यूटर पूछेगा तो सिद्धार्थ हो जाएगा। तो इन सबको याद रखिएगा। तो बस सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कीजिए कि आपको 30 में से कितना नंबर आया। तब तक के लिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।